अमोद कुमार मैं कौन हूँ? कमिंग कौन? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। हैव यू सीट। अपने बारे में बोर्ड मेंबर्स को कुछ बताइए। मेरा नाम अमोद कुमार साथी है, मैं मधुबनी जिला के फुलपरास थाना का रतौली गांव का निवासी हूँ। मैंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय से किया है। मैंने अपने स्नातक की डिग्री ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स में किया है। मैं 2017 से 2019 तक बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पे काम किया है और 2019 से वर्तमान में अभी रेलवे में ग्रुप डी में ट्रैकमैन 4 के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी क्रिकेट देखना और खेलना। ओके, आपका क्रिकेट देखना और खेलना दोनों है आपकी हॉबी। मधुबनी जिले से हैं आप हैं जी, और मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस है जी। जी, क्या है इसकी विशेषता मधुबनी पेंटिंग की? ये मधुबनी पेंटिंग, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और इनका महत्व एटीएम पर भी देखने को मिलता है। ये पूरे विश्व में फेमस है इसके लिए। और भी इसमें कुछ विशेषता इसकी? जी, ये दीवारों पर, घरों में, शादी विवाह में, फंक्शन में इन चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है और जो विदेशी पर्यटक सब आते हैं उनमें भी ये आर्थिक महत्व है वहाँ के लोगों के लिए। आपने ज्योग्राफी से पढ़ा है जी, ये मुझे बताइए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? मैं थोड़ा अंग्रेजी मेरा वीक है तो हिंदी में मैं चाहूँ, ये जैव विविधता ये खास करके विषुवतीय प्रदेशों में होती है जहाँ अधिक तापमान और वर्षा ज़्यादा होने से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं और इसी को जैव विविधता कहते हैं। ये देखा जाता है कि प्राय जो नॉर्थ बिहार है, उत्तर बिहार है जी, उसमें बाढ़ है जी, बाढ़ की समस्या आती है जी, जी। और जो साउथ बिहार है, दक्षिण बिहार है, वहाँ पे सूखे की समस्या है जी। ऐसा क्यों है? मैम, मेन कारण है कि जो उत्तरी बिहार है वहाँ पे हिमालय से जो अधिकांश नदियाँ निकलती है और मौसम के कारण वहाँ पर जो बारिश होती है वो नदियों में अधिक पानी आ जाने से उत्तरी बिहार में हमेशा बारिश की संभावना बाढ़ बनी रहती है और इसकी अपेक्षा दक्षिणी बिहार में पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसके कारण वहाँ कम बारिश होती है तो वहाँ सूखे की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है। ये मुझे बताइए आपने वन बॉर्डर वन फोर्स का नाम सुना होगा? सॉरी, जैसे इंडिया की किस किस कंट्री से सीमाएं लगी हुई है, किस किस देशों से सीमाएं लगी हुई है? ये मुख्य रूप से बांग्लादेश, चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब देशों से सीमा लगी हुई है। आप बीएसएफ में रहे हैं तो मुझे बताइए कि जो बीएसएफ है वो किस बॉर्डर की गार्डिंग फोर्स है? अभी उसका बीएसएफ का पाकिस्तान जो एलओसी बॉर्डर है वहाँ पे और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहाँ पर और कुछ म्यांमार की जो कुछ सीमाएं हैं वहाँ पर भी बीएसएफ ड्यूटी दे रही है। म्यांमार में देखा गया है कि अभी क्या है वहाँ पर, मिलिट्री गवर्नमेंट है जी, हाँ, और बहुत डिस्टर्बेंस भी है जी जी। फिर भी इंडिया जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है जी, वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, सर क्या कारण आपको लगता है? मैम, मेन कारण है कि जो वहाँ अंग सान सू की सरकार थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, तो वहाँ की जो सेना है वो तख्ता पलट करके सेना में आ गई और भारत का हमेशा से ही ये एक अपना एक स्वतंत्रता रहा कि बिना किसी कारण के किसी दूसरे देश पे हमला नहीं करते हैं और ना ही किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं। तो इस मामले में अभी फिलहाल तटस्थता बनाए रखे हुए हैं, लेकिन आगे वाले दिनों में अगर जैसे रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या आई हुई है तो इस तरह की अगर आगे समस्या आई तो सरकार, मुझे लगता है कि इस पर विचार कर सकती है।
रोहिंग्या मुसलमान जैसे रिफ्यूजीज आते हैं हमारे देशों में, जी जी, तो ये बताइए कि हम लोगों ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रखी है रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने के लिए? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, सर आपसे कुछ प्रश्न अन्य प्रश्न करेंगे, उसके बाद सुना आपसे प्रश्न करेंगे। जी सर, थोड़ा ये समझाइए आप कि आप पहले बीएसएफ में कार्यरत थे, जी जी, और फिर आपने ग्रुप डी को ज्वाइन किया, जी जी, क्यों ऐसा किया? सर मेरा बचपन से शौक था कि मैं कुछ, सबसे पहले मैंने गांव से पढ़ाई की और मेरे माताजी और पिताजी का देहांत हो चुका है, तो मेरे सबसे पहली प्राथमिकता थी कि मैं कोई भी जॉब ले सकूँ, अपने आप को एक अच्छे पद पर कोई भी अपनी जीवन चला सकूँ, तो मैं फर्स्ट बार में मुझे बीएसएफ का जॉब करना पड़ा। फिर वहाँ कुछ पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही थी, उनकी ड्यूटी फिक्स नहीं थी, नाइट की पेट्रोलिंग, दिन में ड्यूटी, तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया और यहाँ 12 घंटा की ड्यूटी के अलावा मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाता, तो इस कारण से मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया। हालांकि बीएसएफ भी बहुत अच्छा जॉब है और मैं अभी ग्रुप डी में जो जॉब कर रहा हूँ उससे भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो आपको ग्रुप डी से बहुत संतुष्ट हैं, तो फिर आप इसमें क्यों ना चाह रहे हैं? सर हर स्टूडेंट का सपना होता है कि अच्छे से अच्छे पद पर जाए, सरकार का योगदान करे, तो मैं सरकार के कामों में मदद करना चाहता हूँ, कर संग्रह में जो अपना योगदान है देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, आपने सरकार के दो अलग अलग विभागों में भी काम किया है, जैसे बीएसएफ में किया है और रेलवे में कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यदि आपका सिलेक्शन कर लिया जाए तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका अनुभव है अलग अलग विभागों में काम करने का। तो आप मुझे ये समझाइए कि एक सामान्य विद्यार्थी जो कभी इससे पहले कहीं कोई काज नहीं किया है किसी विभाग में, और आप में क्या अंतर होने वाला है अगर आपको सिलेक्शन होता है? सबसे पहला सर कि जो एक शिष्टाचार होता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन होता है, जो कानून का मेंटेन होता है, तो मैंने बीएसएफ की जो ट्रेनिंग ली हुई है 11 महीने की, से उससे मैं लॉ मेंटेन कर सकता हूँ। जो हथियार से रिलेटेड ये भी ईएसआई का भी पद वर्दी वाला पद है, तो मैं भी हथियार से पूरे वाकिफ हूँ और लॉ मेंटेन भी जानता हूँ, तो मैं इसको अच्छा से कर पाऊँगा। इसके अलावा मैं रेलवे में भी कार्यरत रहा हूँ, तो डे नाइट भी ड्यूटी किया हूँ, तो मुझे इसका पूरा फायदा मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे अब ये समझाइए थोड़ा सा कि ये जो ईएसआई का कार्य है ये क्या क्या कार्य है? ये सर मुख्य रूप से इनका काम है वाहनों से कर संग्रह करना, वाहनों की चेकिंग करना, लाइसेंस चेक करना, आरसी बुक चेक करना, ये इसका मुख्य काम है। अच्छा, लाइसेंस आप कैसे चेक करेंगे? लाइसेंस का कुछ पता है आपको? लाइसेंस आपको दिखाएगा, कैसे समझ पाएंगे लाइसेंस सही है गलत है कौन? सर अभी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसकी ट्रेनिंग दी जाए तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा, इसके अच्छे से सब कर पाएँ। जी ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मुझे थोड़ा सा ये समझाइए आप मधुबनी बिहार से हैं और मधुबनी बॉर्डर एरिया है। जी जी ठीक है, तो बॉर्डर एरिया तो कुछ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाले को कुछ प्रॉब्लम भी होता है क्या? जी सर, क्या सब प्रॉब्लम होना पड़ता है बॉर्डर को लेके या सर ऐसे मधुबनी की प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम बॉर्डर को लेकर? बॉर्डर को लेके तो सर मधुबनी जिला के लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और हमारा जो मधुबनी जिला है उससे और जो नेपाल के लोग हैं उसमें बेटी रोटी का ऐसे रिश्ता कहा जाता है, तो वहाँ की तो कोई ऐसा किसी जगह कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है, और मुझे ये समझाइए आप कि आपने ज्योग्राफी ऑनर्स से पढ़ा भी है, और थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कीजिए बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार का है? ये बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश में है, और 83 डिग्री 19 मिनट 40 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या हमारे बिहार पे डिग्री का? जी जी बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। क्या वर्षा पड़ रहा है? ये
ये उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से जो मानसून का प्रभाव होता है, जो हिमालय की स्थिति है, जो समुद्र से दूरी है, जो ऊंचावच है, इससे मानसून का वर्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे थोड़ा सा ये समझाइए आप कि अभी जो आप देखा है कि बिहार में जो सरकार परिवर्तन हुआ है जी, क्यों ऐसा होता है कि एक वर्ष जब चुनाव होते हैं तो उस समय मतलब जो राजनीतिक दल है वो वादा कुछ करते हैं कि हम इसके साथ सरकार फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, जनता उस विश्वास में अगर वोट कर दी है, फिर पता लगता है कि दो साल बाद सरकार चेंज हो गई, दल बदल गया, क्यों ऐसा होता है? सर ऐसा तो पॉलिटिकल के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे सरकार महागठबंधन की हो चाहे एक ही पार्टी की हो, इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। मेन उसका काम जनता की भलाई होनी चाहिए, जनता का काम में होना चाहिए। तो पार्टी किसी की भी रहे कैसी भी रहे, जनता का काम होना चाहिए। तो जनता का काम हो रहा था इससे पहले वाले सरकार में भी और जो नया सरकार बना है इसमें क्या कुछ अंतर नज़र आएगा आपको या फिर दोनों में ठीक ही है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो जैसे पहले हो रहा था वैसे अभी भी होगा। जैसे पहले काम कर रहे थे नीतीश कुमार जी के जो 7 योजनाएं हैं जो जिस पर पहले काम कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी ये करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। डेविस का नाम सुने हैं? क्या सर? डेविस एमडब्ल्यू डेविस। सर थोड़ा जोर से बोलिएगा, सुनिए। एमडब्ल्यू डेविस, सॉरी सर नाम नहीं सुन। अपर्दन चक्र की अवधारणा बताइए। अपर्दन सर, ये तो मृदा अपर्दन का नाम सुने हैं सर, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कोई भी असलाकृति जब फॉर्म करता है जी जी, तो असलाकृति में अपर्दन चक्र काम करता है जी जी। ज्योग्राफी का बहुत कोर मॉडल जी जी, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं जी। ये तो अपर्दन मुख्य रूप से मिट्टी में होता है, जो वर्षा के कारण मिट्टी का अपर्दन होता है, वायु के कारण मिट्टी का अपर्दन होता है, सूखे की स्थिति के कारण मृदा का अपर्दन होता है। जैसे हम उत्तरी भारत में देखते हैं जी कि उत्तरी भारत में कृषि की प्रधानता है जी जी, तो ये कृषि प्रधानता क्यों है उत्तरी भारत? सर मुख्य रूप से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें हमेशा पानी रहती है और कृषि के लिए हमेशा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए उत्तरी भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा कृषि को महत्व दिया जाता है। मैंने कृषि के लिए केवल पानी की जरूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया। कृषि के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सर मुख्य रूप से कृषि के लिए सिंचाई, खाद की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, किसान की कार्य कुशलता, भौगोलिक स्थिति, वर्षा की मात्रा, इन सब चीज़। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये सर मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का। और जो राज्य में एक्सटेंशन है उसका? सॉरी सर मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ, सर छोटा नागपुर का पठार थोड़ा सा सर बिहार में भी जो दक्षिणी जिले हैं उनमें जैसे बांका हुआ, नवादा हुआ, इन सब जिलों में उसकी कुछ सीमाएँ। छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जी जी, कौन कौन से वहाँ के प्रमुख खनिज हैं? सॉरी सर मैं ऊपर। अब छोटा नागपुर के पठार में एक नदी बहती है जो सबसे प्रमुख नदी है वहाँ की, मैं दामोदर नदी जी। ज्योग्राफी में जलवायु शब्द यूज होता है जी जी, जलवायु सबसे आप क्या समझते हैं? सर जलवायु को किसी भी क्षेत्र की वर्षा की मात्रा, तापमान, इन सब इसको दर्शा, वायु दाब, इस सब चीज़ को दर्शाया, उसे जलवायु कहा जाता है। जलवायु वर्गीकरण कुछ एक जलवायु वर्गीकरण है जो सबसे कॉमन है ज्योग्राफी में जी जी, तो कौन से जलवायु वर्गीकरण है? सर इनको तो कोपेनहेगन ने, कोपेन एक जलवायुवेत्ता थे, उन्होंने इसको उत्तरी बिहार के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उत्तरी बिहार को और दक्षिणी बिहार को जलवायु के दो वर्गों में बांटा है, तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसमें उत्तरी बिहार की जो जलवायु है उसको AWG
ACW और जो दक्षिणी बिहार है उनकी जलवायु को AW में बांटा गया। ज्योग्राफी विषय कोई विषय से निकला हुआ है, इसका जो मूल विषय पहले कौन था? ज्योग्राफी तो सॉरी सर मैं नहीं बता। हृदय स्थल सिद्धांत का नाम सुने होंगे? क्या सर? हृदय स्थल सिद्धांत, सॉरी सर। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी। मुझे इस हफ्ते की कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ बता दें। इस हफ्ते की मैंने मैम एक न्यूज़ पढ़ी है जो अभी दिल्ली के माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं उन पर ED का छापा पड़ा है जो आबकारी घोटाले से संबंधित। और मैंने एक इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ी है जो चीन की एक जहाज़ आई थी जो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया था, जो इंडिया ने उस पर एतराज़ जताया था जिसके कारण श्रीलंका की सरकार ने उन्हें कुछ पहले रोक दिया फिर उनको आने की इजाज़त दी थी, जिससे भारत और अमेरिका जो है नाराज़ हैं। ये मुझे बताइए, अभी हमने हम्बनटोटा पोर्ट का नाम लिया, ये किस दिशा में स्थित है? ये श्रीलंका के किस दिशा में स्थित है? ये श्रीलंका के दक्षिणी दिशा में है, जो जिसे चाइना के सरकार ने लीज पर 99 साल की लीज पर लिया हुआ है। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि अग्निपथ योजना आई थी जी, उसका भयंकर विरोध हुआ है बिहार में जी जी, तो आपकी नज़र में क्या आई है? आप इस बैकग्राउंड से भी हैं जी जी, तो ये योजना अच्छी है बुरी है, किस तरह से आप क्या इस पर क्या राय है? मैम ये मुख्य रूप से अग्निकारी योजना में बहुत हद तक फायदे युवाओं के लिए फायदे भी है, जो पहले 21 साल तक युवाओं की भर्ती के लिए था उसमें 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो युवा 23 साल तक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 4 साल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 4 साल इसमें युवाओं को रखेंगे और प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा 4 साल में इसके जो 25% सैनिक होंगे उसको नियमित रूप से रखा जाएगा, बाकी 75% को 11 लाख के अप्रॉक्स में पैसे सरकार की तरफ से मिलेंगे। और जो अग्निवीर योजना के तहत जो छात्र लाभान्वित होंगे उनको और भी सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो और दूसरे राज्य की सरकारें हैं उनमें उन राज्य की सरकारों ने भी सरकारी जॉब में पुलिस डिपार्टमेंट में वरीयता क्रम दिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ से ठीक है। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाइए फीडबैक के लिए। एक दो गलती जो मैंने देखी, सरकार का योगदान नहीं सरकार में योगदान होगा, ठीक है। लॉ मेंटेन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, लॉ के साथ ऑर्डर भी लगता है, लॉ एंड ऑर्डर में आप सही हैं। दूसरा कि आप BSF से जी, एक पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, फिर आपका सिटिंग पोजीशन ऐसा क्यों? सर कंफर्टेबल नहीं, वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो सकते, यही तो प्रॉब्लम है जी। मैं इंटरव्यू बोर्ड सुबह से जो इंटरव्यू लेता है वो कैसे भी बैठ सकता है जी जी, तो झुक के भी, लेकिन आपको तो 15-20 मिनट वहाँ पे बैठना है, वो एकदम स्पाइन इरेक्ट तो बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। ट्रेनिंग में सिखाया होगा जी? सावधान पोजीशन, हाँ सावधान पोजीशन वैसे बैठना है। बाकी आपकी नॉलेज मेरे दृष्टि में सही रही, बाकी सर आप जोग्राफी का कुछ कुछ चीज़ें आपको जानकारी रखनी चाहिए? मुझे भी सर ऐसा लगा, रिवीजन कीजिए, टेविस है, कोपेन है, जो भी है सर। 17 में ऑनर्स किए थे ना, तो ज़्यादा थोड़ी जानकारी, 17 के बाद मौका नहीं मिला पढ़ने को, लेकिन मैं रिकॉल करूँगा। हाँ रिकॉल, हाँ आपके पास अभी वक्त भी है। और ये आपका पहला था? नहीं दूसरा था, पहली बार 5 मिनट में ही सर बोले कि जाओ तुम्हारे पास, मैं आज से पहले कभी इंटरव्यू दिया नहीं था। ठीक है, आप और कोशिश कीजिए, देखिए आज आपका इंटरव्यू अच्छा खासा टाइम चला है, धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आप और इंटरव्यू दीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं नहीं।